हेलो टू यू ऑल, कैसे आप सभी। माई सेल्फ मानिका यादव, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एंड प्लीज इफ यू आर न्यू हेयर देन प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन। एंड ये पुराने वाले भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग बाय हाउ यू कैन हेल्प मी एंड दैट विल कीप मी मोटिवेटिंग टू क्रिएट सच मोर वीडियोज सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो प्लीज एक चीज और, डू नॉट स्किप दिस वीडियो बिकॉज दिस इज very important topic, and the topic is how to find or how to search a better university or best university for us in Russia for MBBS. अब मैं रशिया के बारे में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने रशिया को ही ज्यादा अच्छे से स्टडी किया है, मेरी प्रेफरेंस रशिया ही रही है। बट अगर आप कोई दूसरी कंट्रीज भी देख रहे हो तो यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो इज कॉमन फॉर एवरी, दिस वीडियो इज कॉमन फॉर एवरी कंट्री, एवरी यूनिवर्सिटी। ओके, so the first point which I'm going to discuss about is location. Location is really important hai because ab jaise hum hai, hum Indians hum equator line ke just upar rehte hai, hai na, hamara jo map mein equator line ke just thoda sa upar hai to hamare temperature moderate hai, bahut zyada nahi jata. ab jaise main Delhi mein rehti hu to Delhi ki bhi baat karu main to mushkil se thand mein bahut zyada jab jayega to 2-3, theek hai, itna chala jata hai. तो हमें ऐसे जगह को सिलेक्ट करना है, ऐसे लोकेशन को सिलेक्ट करना है जहां पर टेम्परेचर एक्सट्रीम ना जाए, रहे नॉर्मल रहे। जैसे जो मेरी सिटी है, लाइक जिस सिटी में मैं जाऊंगी एमबीबीएस करने के, दैट इज कैलिनिग्राड, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, तो वहां पर टेम्परेचर -3 जाएगा मार्क्स टू मार्क्स, और जा सकता है तो -4 -5 तक, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। एंड वो टोटली एक्सेप्टेबल है क्योंकि थोड़ा ऊपर है तो यार इतनी तो उम्मीद रख ही सकते हैं ना। बट फिर भी साइबेरियन रीजन से बहुत ज्यादा बेटर है बिकॉज वहां पर तो -30 -25 इस टाइम तक रहता है टेम्परेचर, और वहां पर हम नॉर्मल एक लाइवलीहुड भी नहीं, लाइक एक जीवन यापन नहीं कर सकते, राइट। तो प्लीज लोकेशन को अच्छे से चेक कर लेना, देख लेना वहां का वेदर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, एनवायरमेंट, सब कुछ देख लेना, इंटरनेट पे सब कुछ मिलता, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। Second, I will talk about population density and number of students. Number of students को मैंने इसलिए include किया क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा overcrowded place पे जाते हैं तो होता क्या है कि population density upon में number of students तो उसमें वो बढ़ जाता है, तो ratio काफी नीचे हो जाता है। अब जैसे हमारे इंडिया में population तो बहुत ज्यादा है पर doctors उतने ही कम है, इसलिए population और डॉक्टर्स का जो रेशियो है, पेशेंट डॉक्टर का रेशियो बहुत ज्यादा है। तो ये पॉइंट हमें बाहर जाते वक्त भी देखना है बिकॉज हमें अपने पढ़ाई के टाइम पे बहुत ज्यादा चीजें सीखनी है, और वो हम तब तक नहीं सीख सकते जब तक हम खुद विश नहीं करेंगे, तब तक हम खुद नहीं चाहेंगे, है ना। इसलिए प्लीज इन सब पॉइंट्स को देखना कि पॉपुलेशन डेंसिटी हो, अच्छी खासी हो, और ऊपर से स्टूडेंट्स कम हो, बहुत ज्यादा ओवरक्राउडेड प्लेस पे जाने का कोई सेंस बनता नहीं है। थर्ड पॉइंट इन विच आई विल टॉक अबाउट, हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो MCI अप्रूव्ड होनी चाहिए। MCI अप्रूव्ड हो रही है इसका मतलब वो 2-3 टॉपिक्स तो अपने आप कवर कर रही है, जैसे कि लैंग्वेज, मोड ऑफ टीचिंग शुड बी इंग्लिश ओनली, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होनी चाहिए, बाईलिंगुअल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाईलिंगुअल में क्या होता है कि 1-2 साल हमारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, उसके बाद पूरी प्रॉपर रशियन में हो जाती है। तो यार हम 2 साल के अंदर इतनी अच्छे से रशियन नहीं सीख पाएंगे कि हम पढ़ाई भी उसमें करें, लिखना भी उसमें शुरू कर दें, समझना भी उसमें शुरू कर दें, दैट वुड बी क्वाइट टफ। तो प्लीज ऐसी यूनिवर्सिटीज भी सिलेक्ट करना जो कि इंग्लिश मोड में हो, वो पूरे इंग्लिश मीडियम में हो। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट रेपुटेशन। अब हमें रेपुटेशन के बारे में कैसे पता चलेगा यहाँ इंडिया में बैठे बैठे, दैट इज वाया वर्ल्ड रैंकिंग और कंट्री रैंकिंग। जब एक हम यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग देखते हैं और एक कंट्री, मतलब जब वर्ल्ड रैंकिंग कंट्री रैंकिंग देखते हैं तो हमें अपने आप आइडिया लग जाता है, क्योंकि यार देखो कोई चीज अगर हमें अच्छी लग रही तो अभी हम उसे अच्छी रेटिंग देंगे, खराब लगने के बाद हम किसी भी चीज को अच्छी रेटिंग नहीं देंगे। सिमिलरली अगर किसी यूनिवर्सिटी को एक अच्छी रैंकिंग मिली हुई है तो वो किसी न किसी वजह से मिली होगी, इसलिए प्लीज वर्ल्ड रैंकिंग एंड कंट्री रैंकिंग को अच्छे से चेक कर लेना यूनिवर्सिटी में जाने से पहले, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज अबाउट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी।
यस यू हैव हर्ड इट राइट, रशिया में भी दो तरीके की यूनिवर्सिटी होती है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास फेडरल यूनिवर्सिटी आती है एंड स्टेट यूनिवर्सिटी आती है, जो कि स्टेट लेवल पे होती है। फेडरल इज ऑल नेशनल लेवल लाइक आवर एम्स। ओके, जो प्राइवेट फंडेड यूनिवर्सिटीज होती है, इसका पता मुझे कैसे लगा, आई विल टेल यू एंड यू टू कैन एक्सपीरियंस दिस थिंग कि हाँ यार, ये सच में ये चीज होती है। जब मैंने कंसल्टेंसीज को कॉल किया, यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछा, रिसर्च करी, तो बहुत सारे ऐसे थे, मतलब बहुत सारी कंसल्टेंसीज ने कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज की फीस ना मुझे डॉलर्स में बताई और बाकी यूनिवर्सिटीज की फीस रूबल्स में। जब मैंने ये सारा कैलकुलेशन बिठाया, देखा कि पहली बात तो डॉलर्स क्यों चार्ज कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो बाकी जगह रूबल्स क्यों है, बाकी जगह डॉलर्स क्यों नहीं है, तो ये मुझे पता चला, लाइक कि मैंने रिसर्च में पाया कि वो यूनिवर्सिटीज प्राइवेट फंडेड होती हैं जहाँ पर डॉलर्स में पैसे लगते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है वो ऑब्वियस सी बात है, अब जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो भी होंगी वो रूबल्स रुपीज में पैसे लेंगी, डॉलर्स में क्यों लेंगी, और प्राइवेट वालों की तो अपनी मर्जी होती है, किसी में भी ले लो, है ना। वैसे इंडियंस देते नहीं, देंगे नहीं, कोई अगर डॉलर में इंडिया में मांगे उसे दो थप्पड़ मार के भगा देंगे। तो सिमिलरली दिस थिंग हैपेंस इन रशिया एज वेल, कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको उनकी जो फी है वो रूबल्स में जाती है। हाँ, मे बी ट्रांजेक्शन जब हम चेंज करवाते हैं, जब हम करेंसी चेंज करवाते हैं, तो इंडियन पहले डॉलर्स में चेंज होता है एंड देन डॉलर टू रशिया, बिकॉज डायरेक्टली इंडियन टू रशियन रूबल में चेंज नहीं होता आई गेस, बिकॉज डॉलर इज एन इंटरनेशनल करेंसी, सो डायरेक्टली ऐसे चेंज नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होते। तो मे बी उस चीज में हेल्पफुल हो, बट यूनिवर्सिटी के नाम पे फी डॉलर्स में लेना, दैट्स नॉट गुड। तो प्लीज वही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना जो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो, और फेडरल और स्टेट में भी मैं यही कहूंगी कि प्लीज गो फॉर फेडरल यूनिवर्सिटी, बिकॉज वो नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंडर जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो सब के सब आते हैं। तो प्लीज सेलेक्ट फेडरल ओवर गवर्नमेंट। आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए होंगे, लाइक पॉपुलेशन, यस, लैंग्वेज, MCI अप्रूवल, लोकेशन, रेपुटेशन। अगर अकॉर्डिंग टू मी ये पॉइंट्स मुझे बहुत ज़्यादा वैलिड लगे, अगर आपके ऐसा कोई पॉइंट लगता है कि हाँ ये पॉइंट भी होना चाहिए, देन प्लीज मुझे बता देना, मैं मे बी शॉर्ट्स बना दूँ। और कोई क्वेश्चन है आपके, देन वो कमेंट बॉक्स में आराम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने। आई विल प्रोवाइड यू माई इंस्टा आईडी एज वेल, आपके जो भी डाउट्स है और मेरे लेवल तक जो भी हेल्प हो सके, आई विल ट्राई एट माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। बिकॉज मोटिव यही है कि हर एक स्टूडेंट के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किसी के पास भी गलत इन्फॉर्मेशन ना हो, बिकॉज हमारी मेहनत, हमारे मम्मी पापा का पैसा, हमारे घर वालों की उम्मीदें, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे साथ। तो हमें उन सभी पॉइंट्स को देखते हुए, उन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए एक अच्छा डिसीजन लेना है, सो दैट हम पढ़ के बहुत अच्छे से डॉक्टर बन सकें। और इसके लिए मेरी तरफ से जो भी हेल्प चाहिए, आई विल हेल्प यू आउट। आपके जो भी क्वेश्चंस है, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, मैं पूरी हेल्प करूंगी। ठीक है, चलो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।